अबे बुड्ढे अंधा हो गया है क्या? माफी चाहता हूँ बेटा। अभी इस बुड्ढे का कचूमर बन जाता, खामखा हमारा एडवेंचर खराब करने आ गया था। बुड्ढा मरते मरते बचा है। ये तो शुक्र है बचत हो गई है। चलो अब यार, तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया है? गाड़ी बहुत भारी हो गई है। क्या मतलब? पता नहीं यार, इसमें कोई मसला आ गया है, उतर के देखना पड़ेगा। पंचर तो नहीं होगी? चलो देखते हैं। यार सामने वाला टायर तो ठीक है। इधर आओ, ये वाला टायर पंचर है। अबे यार ये कैसे पंचर हो गई? अब इतनी रात में हम क्या करेंगे? इसकी तो स्टेपनी भी नहीं है। ये देखो कील लगा हुआ था। यार अब हम इस जंगल में क्या करेंगे? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दुकान भी नहीं है। यार ऊपर से मौसम भी खराब है, बारिश हो रही है, बहुत बुरे फंसे हैं यार, क्या करेंगे अब? तुम लोग हिम्मत मत हारो, गाड़ी लेके नहीं जा सकते, टायर तो लेके जा सकते हैं। मेरे साथ मिलके इस टायर को खुलवाओ, नजदीक नहीं तो दूर ही सही, कहीं ना कहीं दुकान जरूर होगी। चलो फिर मिलके टायर खोलते हैं। पहले जैक लगा लेते हैं फिर टायर खोलेंगे। लगाओ जैक। टायर तो अब खुल गया है, इसे पंचर कैसे लगवाएंगे? आगे चल के देखते हैं, कहीं ना कहीं दुकान जरूर होगी। तू गाड़ी का ख्याल रख, हम दोनों जाके टायर में पंचर लगवा के आते हैं। लेकिन यार जल्दी आना, बहुत सुनसान जगह है, मुझे डर लगता है। हम अभी आ रहे हैं, टायर उठा। यार पता नहीं कब आएंगे, गाड़ी ने भी आज ही पंचर होना था। यार अगर पंचर वाली दुकान ना मिली तो क्या करेंगे? पागल हो तुम लोग, और इतनी देर क्यों लगा दी? पेंचर लगाए? अबे नहीं यार, कोई दुकान ही नहीं ली पेंचर वाली। शेटी यार हमारी तो किस्मत ही खराब है। अबे फट्टू पेंचर लग गया है, थोड़ा दूर थी दुकान लेकिन लगवा के आए हम। उठा यार, आदत नहीं गई तुम्हारी। लगा लगा जल्दी लगा। ये टायर तो फिट हो गया, इसके वो नट पड़े थे वो किधर है? यहाँ लगाने वाले। पता नहीं तुमने खुद ही तो रखे थे। तेरे सामने यहीं पे टायर खोला है, नट भी यहीं रखे थे। ढूंढो आप किधर है, उसके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। पता नहीं यार, मैंने नहीं देखे नट कहाँ गए। यार यहाँ तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। अबे पागल इंसान, तुझे यज्ञ ले बिठा के गए थे, कहाँ है नट? अब जल्दी से नट ढूंढो आप। ना गाड़ी के अंदर नट है ना बाहर है, पता नहीं जमीन खा गई या आसमान निकल गया। चल यार उसी तरफ ढूंढते हैं, उधर ही होंगे। यहाँ मैंने सारा देख लिया, नट कहीं भी नहीं है। नट के बगैर गाड़ी का जाना इम्पॉसिबल है। तो क्या करेंगे यार, मुझे नहीं पता। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। क्या हुआ लड़के, तुम अभी तक यही हो? खैर तो है। लो जी अब इसको बताओ क्यों खड़े हो यहाँ पे? तो बुड्ढे तेरी वजह से सारा काम खराब हुआ है। बेटा बताओ तो सही क्या बात है, शायद तुम्हारी मैं मदद कर दूँ। जा बुड्ढे काम कर अपना, तेरे बस की बात नहीं है, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। अब ये इंजीनियर बुड्ढा हमारी गाड़ी ठीक करेगा। और जाओ पेंडू, ये भेड़ बकरियाँ नहीं है, गाड़ी है गाड़ी, अल्लाह का वास्ता हमें काम करने दे। बेटा तुम टाइम जाया मत करो, अपना मसला मुझे बताओ, ये जंगल है, तुम ये जंगल से वाकिफ नहीं हो। आए मैं आपको अपना मसला दिखाता हूँ। हमारी गाड़ी का ये टायर पंचर हो गया था, यहाँ से काफी दूर एक दुकान है, वहाँ से हमने पंचर तो लगवा लिया है, लेकिन जब हम पंचर लगवा के वापस आए तो गाड़ी के ये वाले चार नट गायब हो चुके थे।
वो नहीं मिल रहे। अब आप ही बताओ इन चार नटों के बगैर गाड़ी आगे कैसे जाएगी। बस इतनी सी बात है। लो जी, ये इसके लिए इतना सा मसला है। और बाबे ये बता, नट्टू के बगैर गाड़ी आगे कैसे जाएगी। यार इस पेंडू बाबे की बातों में आके अपना टाइम जाया मत करो, इसका कोई और हल निकालो। इसका कोई हल नहीं है, बगैर नट की ये गाड़ी चलेगी नहीं और नट यहाँ से मिलेंगे नहीं। बेटा मेरी बात सुनो, इस गाड़ी के और भी तीन टायर हैं जिनके ऊपर चार चार नट लगे हैं। अगर तुम वहाँ से एक एक नट उतार के इसको लगा दो तो गाड़ी चल पड़ेगी। अभी हाँ यार ठीक कह रहा है ये बाबा, इस गाड़ी के तीन टायर और भी तो हैं। अगर वहाँ से एक एक नट उतार के इस टायर को लगा दिया जाए तो ये गाड़ी आराम से जा सकती है। यही तो मैं कह रहा हूँ, उन तीन टायरों में से एक एक नट निकालो और इसको लगा दो। वाह बाबा जी क्या आइडिया दिया है आपने। चलो यार एक एक नट खोलते हैं। नट तो मिल गए हैं यार, चलो जल्दी से ये नट लगाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। बाबा जी नट लग गए हैं। हम तो आपको पेंडू और गवार समझ रहे थे, लेकिन जिस तरह आपने हमारी मदद की दिल खुश हो गया। बाबा जी बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। किसी भी इंसान को उसकी पर्सनैलिटी और ड्रेसिंग से जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी किसी के एक छोटे से मशवरे से हल हो जाए, लिहाजा हर इंसान को अहमियत दें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें।